तो जी लोकेशन तो मिल गई और अभी काम है सबसे पहले यहाँ पे चूल्हा लगाने का। ठीक है जा रहा हूँ मैं ना, वहीं पे पार्टी में। पार्टी के क्या, किस चीज की करनी? पार्टी ऐसे ही चिकन वगैरह बनाएंगे थोड़ा। चलो ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ दोस्तों जंगलों में, और वहाँ पे हम बनाने वाले हैं चिकन। अब कुछ लोगों को चिकन पसंद नहीं होता है दोस्तों, तो वो इस वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपको देखना है कि कैसे हम जंगल में जाके भाई चिकन बनाएंगे और किस तरह का चिकन बनता है। मतलब ऑल ओवर जो व्लॉग है वो काफ़ी मस्त रहने वाला है, क्योंकि बारिश भी हो रखी है और सारा कुछ जो है ना वो गीला गीला है। तो भी कुछ ऐसे हो रखे हैं कीचड़ वाले की चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों आग वगैरह जलाना जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग का काम है। बाकी यार ऑल ओवर में बात करूँ आसपास का जो अभी माहौल है, मतलब एक हरियाली हरियाली, पहाड़ों के ऊपर बादल, मतलब कुल मिला के ऐसा नज़ारा बना हुआ है अभी हरा 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 कि मतलब क्या ही बोले दोस्तों। ये जो लोकेशन है वो हमने कुकिंग करने के लिए सिलेक्ट करी है, और इस लोकेशन से आप देख लो भाई क्या व्यू दिखता है हर तरफ का। सामने जो है वो पहाड़ है, पीछे भी पहाड़ हैं, और सामने अगर आप इस तरफ देखेंगे तो भाई बड़ा सा पहाड़ दिखता है, और यहाँ पे मेरा गांव भी दिखता है, पूरा खेत हरियाली चारों तरफ का आपको दिखा देता है, और इस तरफ पूरा जो है दोस्तों ऊपर तक जंगलों से भरा हुआ है। तो जी लोकेशन तो मिल गई और अभी काम है सबसे पहले यहाँ पे चूल्हा लगाने का। तो कोई पत्थर का जुगाड़ का चूल्हा पहले यहाँ पे लगा लेते हैं। पत्थर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भरे हैं दोस्तों, लेकिन चूल्हा तो बनाना पड़ेगा। फाइनली चूल्हा जो है वो हमारा हो चुका है तैयार, और कढ़ाई हमने उसके ऊपर रख दी है, अब सिर्फ आग जलानी है। अच्छा मेरे साथ हैं आज की इस ट्रीट में अमित भाई, और इनकी ही ये ट्रीट है। और दूसरा मैं अज्जू को 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, अज्जू बोल रहा है कि मैं 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो जैसे अज्जू भाई पहुँच जाता है तो हम 3 लोग हो जाएंगे फिर। और दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि ये जो लकड़ियाँ हैं बारिश वाली, ये पूरी तरह से गीली हैं बारिश की वजह से, तभी जो आग नहीं जल पा रही है। लेकिन एक और जुगाड़ है जो मुझे करना पड़ेगा अभी। आग जलाने का सबसे अच्छा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ये जो कैंठी, जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, चील के पेड़ के ऊपर जो लगी हुई है। तो इसकी वजह से जो है दोस्तों वो आग एकदम से जल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी गोंद सी होती है। जैसे हम इसको लगाएंगे भाई, आओ जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा, ये देखो आप कितने प्यार से जो ये जल रही है। ठीक है, हाँ हाँ हो गई आग पैदा। चलो जी इसे फटाफट करके अभी लगा देते हैं। लगा दो आग में, लगा दो। दोस्तों अभी आग जो है वो जल चुकी है। उतनी देर मैं सोच रहा हूँ कि भाई प्याज और टमाटर जो हम साथ में लाए हैं उनको अच्छे से काट लूँ। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर, लहसुन, प्याज, मिर्च सारी चीज़ें कट गई हैं। राजू भाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हेलो जी नमस्कार। आपका ब्लॉग फिर से नहीं आया भाई। भाई सुबह कर दूंगा आप लोग। अब तो आ ही रहा है ना पक्का। बिल्कुल यार, एक तुम हो गए दूसरी पल्लू होगी। मैं दोनों लोगों को पूछता रहता हूँ कि कब वीडियो बनाओगे, और यहाँ देखो भाई नाच लो। हाँ हाँ हाँ, गुड। तो अभी तक तो चलो अजू भाई आपकी कमी बहुत खल रही थी। ठीक है तो करते हैं रेडी फिर। ठीक है तो दोस्तों ये जो लहसुन है इसको कूटने के लिए फिलहाल हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको पत्थर के ऊपर ही नेचुरल तरीके से कूटा जाए। पहले तो भाई इस पत्थर को सही तरीके से धो लेते हैं। वैसे तो भाई ये पत्थर ज़्यादातर साफ ही रहते हैं, रगड़ रगड़ के धोया जाए, ऐसा ना हो भाई कि पोटी वोटी करके गया हो कोई। और ये हमारी आगे सील, हमारे घर में मतलब देसी जुगाड़ से बोले तो ऐसा सील और बट्टा रखा होता है पत्थर का, जिसके के ऊपर ये काम किए जाते हैं। अब सिंपल इसको हम इसके ऊपर रखेंगे है ना इस तरीके से, और फिर पीसना कर देंगे दोस्तों स्टार्ट कुछ ऐसे। तो दोस्तों तेल हो चुका है यहाँ पे गरम, और अब इसमें ऐड करते हैं पहले तो जीरा, और ऐड करते हैं भाई प्याज। पर्ची घुमा लो पर्ची, और हरी मिर्च और लाल मिर्च साथ में ही डाल के मिर्ची तेज़ कर दे यार। डालो भाई, बढ़िया जी मिर्च, और थोड़ा सा दोस्तों हमारा और सबका प्यारा लहसुन, जिसका भाई फ्लेवर मीट में अलग हो जाता है। और भाई अगर सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा मिर्च अगर कोई मेरे घर में खाता है तो अभी के टाइम पे मैं हूँ। हमें तू कैसी खाता है भाई मिर्च? नॉर्मली भाई, ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा ना कम। और अजू तू? मैं भी तेज ही खाता हूँ भाई। और अपना ये भाई तो भाई चिकन लवर है नहीं, मतलब ये भाई चिकन ही नहीं खाता है। अच्छा यार मैं भी कभी ट्राई करूंगा दोस्तों सच बताऊं तो छोड़ने की चिकन, लेकिन देखते हैं अभी तो टाइम लगेगा। अभी इसमें ऐड करना है दोस्तों थोड़े से टमाटर,
ठीक है। टमाटर हमेशा दोस्तों मैं बोलता हूँ यार, जब भी चिकन बना रहे हो ना, टमाटर कम यूज़ किया करो। कई लोग मतलब स्वाद के चक्कर में भाई और ग्रेवी के चक्कर में बहुत टमाटर डाल देते हैं, उसकी वजह से भाई मीट में फिर वो टमाटर टमाटर ही हो जाते हैं। स्वाद अनुसार दोस्तों अपना नमक भी ऐड कर लें। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया है कि किस तरह से चिकन बनाना है, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग अगर रेगुलर देखते हो तो आपको इस चीज़ का तो पता होगा दोस्तों कि एक ही चीज़ है घर में जो मैं बनाता हूँ, खाली चिकन या मटन। उसके अलावा कोई भी सब्ज़ी बनाने को मुझे बोलो तो भाई जो भी खाएगा ना सीधा ऊपर पहुँच जाएगा, कोई सब्ज़ी और बना दी मैंने तो। की तरफ क्या देख रहा था अभी, जस मैंने बोला जो भी खाएगा भाई ऊपर चला जाएगा, लौंडा ऐसे देख रहा ऊपर की तरफ, ऊपर आसमान भाई। तो फाइनली जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला हो चुका है रेडी, एंड भाई अभी टाइम है चिकन को इसमें ऐड करने का। ओ भाई चिकन ऐड करना अच्छे से, बस अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा लगभग 10 मिनट तक, और फिर उसके बाद भाई चिकन हो जाएगा रेडी। अरे गिर ना जाए भाई। तो दोस्तों अभी जो है वो एक बार फिर से बारिश हल्की हल्की हो गई है स्टार्ट, और दोस्तों चिकन भी भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग लगभग जो है दोस्तों वो तैयार हो चुका है। अभी जस्ट हम लोग भाई थोड़ा सा इसके अंदर खट्टा खट्टा नींबू ऐड करेंगे, और नींबू ऐड करने के बाद भाई लोग सारे के सारे टेस्ट करके बताएँगे। हाँ भाई एक्साइटेड हो चिकन खाने के लिए? भाई कब से तरस गया हूँ कि कब मेरे मुँह में जाएगा। अज्जू भाई राक्षस ब्रो, आप हो एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा भाई बहुत। चलो दोस्तों अभी जो है वो हमारा चिकन फाइनली बन के हो चुका है तैयार, और इसे हम भाई परोस देते हैं थाली के अंदर, और फिर ज़रा आपको टेस्ट करके बताया जाए कि चिकन कैसा बना है। अरे नीचे गिर गया भाई, चल कोई नहीं। तो मतलब गर्मा गर्म चिकन, और सामने भाई आप देखेंगे तो क्या ही अल्टीमेट व्यू। और ऐसे में भाई अभी जस्ट आपको चिकन चख के बताता हूँ, हालांकि मैंने ही बनाया है तो अभी तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म मतलब एकदम धुआं भी इसमें अंदर निकल रहा है, और ऊपर से मेरी जवान इसलिए अड़ रही है क्योंकि ऊपर से ठंडी ठंडी जो है वो पानी की बूंदें पड़ रही है। चलो चेक करके बता दूँ। मुझे जो खा लेता हूँ यार पहले सच बताऊँ दोस्तों तो मुझे तो अल्टीमेट लग रहा है, बाकी अजय ने अमित भाई को भी पूछ के देखते हैं। मिर्ची है मतलब एकदम टपा टप भाई, आप चेक करके बताओ थोड़ा कैसा बना है। अल्टीमेट है, बहुत अच्छा है, बढ़िया। मिर्ची भाई ज़्यादा होगी तुम्हारे लिए तो। हाँ मैं मिर्ची कम ज़्यादा खा लेता हूँ, मतलब जितनी भी हो जाए। बिल्कुल अच्छा बना है, क्या ही बोले दोस्तों, अजीब सी फीलिंग आ रही कुछ। जो भाई बाप भी बता दो क्या है, कैसा बना है माल, सही झूठ या सच? सच सच सब कुछ ओके भाई, मिर्ची भी ठीक है, और ऐसे ऐसे मौसम में तो भाई। हाँ फिर मतलब मौसम ऊपर से ऐसा हो दोस्तों जहाँ पे कि हल्की हल्की बारिश लग रही हो और इस तरह की साइट हो, मतलब घर से उतने ज़्यादा दूर भी ना हो, तो फिर ऐसे में तो भाई सारे के सारे लोग जो है मिलके एंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं। भाई मैंने आपको हमेशा मैं बोलता भी रहता हूँ कि वो जो पीछे वाले अगर आप वहाँ पे चोटी देख पा रहे हो भाई, तो वहाँ पे आप देखोगे कि भाई गर्मियों के टाइम पे देखो अभी भी जो है स्नोफॉल हो रखी है वहाँ पे। तो जल्दी ही ऐसा भी ब्लॉग आएगा जबकि हम जो है वो कुकिंग करेंगे पूरे पहाड़ के ऊपर जाके। एक बात दोस्तों, जो जैसा था वैसा ही छोड़ दें तो अभी यहाँ पे हमारी जो चिकन पार्टी है वो हो चुकी है ख़त्म, एंड मैं इस लोकेशन से निकल रहा हूँ। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो आपके घर की रसोई हो या फिर आप कहीं बाहर बैठे हों, बस ये ध्यान में रखें कि जो जगह जैसी थी वैसी की वैसी आपने कर देनी है, कोई पोल्यूशन वगैरह या फिर कागज़ का टुकड़ा वगैरह वहाँ पे नहीं फेंकना है। एंड अभी हम वहाँ से चिकन वगैरह एंजॉय करके निकल चुके हैं, और भाई सच बोलूँ तो बारिश थोड़ी ज़्यादा ही स्टार्ट हो गई थी। फिलहाल सच बात तो ये है कि हमने इंजॉय प्रॉपर कर लिया, उसके बाद बारिश शुरू हुई, तो बारिश का मौसम भी कभी कभी अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी कैमरा के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, अभी मैं कैमरा को ऑफ करके एंड भाई फटाफट अपनी जैकेट के अंदर डाल लेता हूँ, एंड आपसे मिलता हूँ घर में। ये देखो भाई इतनी बारिश में ब्रोनी को कितनी ठंड लगी है। ब्रोनी अभी ठीक, अब तेरी शक्ल पहचानी जा रही है। बिस्किट खा ले, हाथ को मत काटना मेरे, ये ले एक और खा ले। हाँ लगी, अभी मैं ट्राई करता हूँ, देखना मैं इसको बिस्किट नहीं दूंगा पर ऐसे एक्टिंग करूँगा कि हाथ में लगी तो छोड़ दो। हाँ हाँ लगी 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 भाई, इतना समझता है ये। ओ लगी 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 ब्रोनी, लगी लगी लगी, ले 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 मेरा बेटा, शाबाश शाबाश मेरे ब्रोनी, ब्रोनी मेरे ब्रोनी, हेलो गद्दे, हेलो हेलो मेरे ब्रोनी। ये लो आपके लिए मैं चिकन लेके आया हूँ जो आपने बोला था, ठीक है? लाए लाए हैप्पी। हाँ सही में देख लो ना, ऐसा नहीं है खाली नहीं है, देखो कितना चिकन इसके अंदर बचा हुआ है। खाली कहाँ से होगा मम्मी, इसके अंदर देखो कितना चिकन, देखो ठीक है ओके हो जाएगा, पेट भर जाएगा ना।
मम्मी बोल रहे थे भाई इनको भी चिकन खाना है, तो एक्चुअली बाहर जो है बाकी जिनको भी खाना होगा वो लोग खा लीजिएगा। सारे लोग टीवी देख रहे हो, देख क्या रहे हो टीवी में वो स्टार प्लस? कुनो तुम्हें वैसे यकीन होता है ये एपिसोड वगैरह पे? नहीं। तो फिर क्यों देखती हो? मजा आता है देख के, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो। और तुम? हाँ, जिसको जिसको चिकन टाइम पास करने के लिए। स्टडी कर लो बेटा, टाइम पास क्यों कर रहे हो इतना? हाँ करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेने भी। हाँ चलो, जिसको भी चिकन खाना है मैं चिकन ले आया हूँ परे, ठीक है? ओके यार, आपसे सॉरी बट एक पीस जो है वो ब्राउनी को डालना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउनी ऐसे अंदर नहीं आता है भाई। ये इसलिए अंदर आया है कि इसको पता है कि यहाँ पे चिकन पहुँच गया है, तो चिकन की स्मेल ब्राउनी को आ रही है। हालांकि लोग बोलते हैं कि इसको मसाले वाला नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, बट अब दोस्तों क्या बोले, खिलाना ही पड़ता है। और ये भाई गद्दी शिप डॉग होते हैं तो ये सर्वाइव कर सकते हैं हर किसी कंडीशन में। ये ले, कड़छी मत चाट लियो बस, ओके खा लो। और चाहिए तो मम्मी को कम हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं पहुंचा अपने रूम में, एंड सच बोलूं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को गाइस कैसा लगा? बहुत मजा आया ना, मतलब टाइम के ऊपर बारिश भी स्टार्ट आ गई, हर एक चीज वो जो हम चाहते थे वो हुई। तो आई होप आपको भी मजा आया, अगर मजा आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो में। भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।